कुमार साहू, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे खरौद कॉलेज से भी कुछ स्टूडेंट जुड़ गए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग जो वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं वो ना सिर्फ 12th क्लास के लिए ज़रूरी होता है, बल्कि इसको आप आगे की कक्षाओं में भी पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपका जो 12th क्लास का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा मैच करता है BSc फर्स्ट ईयर के लिए, BSc फाइनल में भी, तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, और जो स्पेशल इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको समझने के लिए ये छोटे छोटे टॉपिक्स को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो भी ऐसा ही कुछ है जिसको ध्यान से समझिएगा, रटना बिल्कुल नहीं है, आराम से समझिएगा, ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान देनी है। तो हमारा टॉपिक है अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला पद। इससे पहले के वीडियोस में आपने देखा था कूलाम के नियम में हमने पढ़ा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला पद कितना होता है, तो होता है 1/4πε0q1q2/r2। तो वैसे ही जब बहुत सारे चार्ज हो जाएंगे किसी जगह पर, उसके कारण से बल कितना लगेगा एक दूसरे आवेशों पर बल, इसको समझने के लिए हम यूज़ करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो जब बहुत सारे चार्ज हो जाते हैं तो अनेक आवेशों के कारण किसी एक अकेले आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, तो अनेक आवेशों के कारण उस एक आवेश पर लगने वाला जितने फोर्स होते हैं उनका सदिश योग करना, यही कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल उन अनेक आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है, यही कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं फिर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अनेक आवेशों के कारण किसी अकेले आवेश पर लगने वाला कुल बल उन आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, देखिए इससे पहले हमने एक और ऐसा एडिशन पढ़ा था आवेशों की योज्यता, तो उसमें जो योग होता था, आवेशों का जो योग होता था वो कैसा होता था, उसमें बीजगणितीय योग के बराबर होता था, है ना, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि होती है तो उसमें हम बीजगणितीय योग करते हैं। यहाँ पर जो बल होता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो सदिश राशि है, इसमें कैसा योग होगा, इसमें सदिश योग के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए तीन बिंदु आवेश हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये Q1, Q2 और Q3, ये थ्री चार्जेस हैं, मान लीजिए Q1, Q2, Q3 तीन चार्जेस हैं, तो किसी एक मान लीजिए Q1 आवेश पर कितना बल लग रहा है उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे Q1 पर लगने वाला बल, तो सबसे पहले Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, वो कितना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कूलाम के नियम से। तो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये समान प्रकार के चार्ज हैं, Q1, Q2 और Q3 मान लीजिए प्लस आवेश है, धन आवेशित है, तो Q2, Q1 पर बल लगाएगा, किस डायरेक्शन पे बल लगाएगा, इस डायरेक्शन पे बल लगाएगा। इस बल का मान कितना होगा, एफ किस पर बल लग रहा है, वन पर, तो एफ वन, कौन लगा रहा है, टू, तो एफ वन टू इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इसी प्रकार से Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये किधर बल लगाएगा, ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे बल लगाएगा,
ठीक है, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, इसको लाइएगा इन दिस डायरेक्शन। ये बल कितना होगा? चलिए, ये फोर्स लग रहा है किस पर लग रहा है? वन पर, एफ वन पर फोर्स लग रहा है। किसके कारण से लग रहा है? थ्री के कारण से। तो एफ वन थ्री हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन पे वो बल लगाएगा, क्यू थ्री क्यू वन पर बल लगाएगा इन दिस डायरेक्शन, क्यू टू बल लगाएगा इन दिस डायरेक्शन। नेट फोर्स कितना लगेगा इन दोनों बिंदु आवेशों के कारण? क्यू वन पर नेट फोर्स, तो आप देख रहे हैं एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स एफ। और वो एफ किसके बराबर होगा? वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री। एफ वन टू और एफ वन थ्री के सदिश योग के बराबर होता है। नेट फोर्स जो होगा Q1 पर, वन पर नेट फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? मान लीजिए इसको F1 मान लेते हैं, तो नेट फोर्स Q1 चार्जेस पर नेट फोर्स ये बल प्लस ये बल दोनों बलों के सदिश योग, ये जो योग हो रहा है वेक्टर एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो सदिश योग के बराबर होता है। यही क्या कहलाता है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। कूलम्ब के नियम से हम जानते हैं Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 is equal to होता है 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R का स्क्वायर। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस है R12, ठीक है, ये R12 का स्क्वायर हो जाएगा। और यदि आप वेक्टर टर्म्स में लेंगे तो ये R12 का कैप। देखिए ये यूनिट वेक्टर्स होता है, यूनिट वेक्टर्स मतलब इकाई सदिश, इसका परिमाण एक होता है, ये दिशा को बताता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। वन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नहीं आएगा, और ये डायरेक्शन को बताता है, ये सदिश टर्म्स हो जाएगा टोटल टर्म्स जो है, ठीक है। इसी प्रकार से अब एफ वन थ्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्यू थ्री के कारण क्यू वन पर लगने वाला बल एफ वन थ्री के कारण लगने वाला बल इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू थ्री अपान आर वन थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा? आर वन थ्री। मान लीजिए ये वाला आप डिस्टेंस है आर वन थ्री, तो इस प्रकार से टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री वेक्टर एफ वन इज इक्वल टू, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? यहाँ पर ऐड कर देंगे और एफ वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान आर वन टू का स्क्वायर आर वन टू कैप प्लस वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर R13 का कैप इस प्रकार से। तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत से हम इस प्रकार से फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अनेक आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम बताते हैं। चलिए अब दूसरा टॉपिक लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निरंतर आवेश का वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं हो जाता, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, समान रूप से सभी तरफ फैल जाते हैं। इस प्रकार से आप वितरण की जब बात करते हैं तो हम तीन प्रकार से वितरण देखते हैं। एक होता है रैखिक आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण में क्या होता है? मान लीजिए एक लाइन तार है, जब आप इस तार को चार्ज देंगे प्लस क्यू आवेश देंगे तो क्यू आवेश एक ही जगह पर सब आवेश नहीं एकत्रित हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो वो चार्ज प्रतिकर्षित करके क्या हो जाएंगे? समान दूरी पर व्यवस्थित हो जाएंगे। इस आवेश वितरण को हम बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। जब आप किसी पृष्ठ को, मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर चार्ज देंगे तो सरफेस एक ही जगह पर जाकर के नहीं रुक जाएगा, वो सभी चार्ज क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे, सब और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश का वितरण। मान लीजिए आप एक वैल्यूम पे देते हैं, आप वैल्यूम पे एक चार्ज देते हैं तो ये चार्ज क्या हो जाएगा? सब तरफ समान रूप से फैल जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश का वितरण। चलिए एक एक करके इस पर बात करते हैं। पहला होता है रैखिक आवेश वितरण।
रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण को आपने समझ लिया है कि किसी लाइन तार पर जैसे हम चार्ज देते हैं तो वो समान रूप से फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ये 2 मीटर का वायर है, ठीक है, 2 मीटर के वायर में, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर में है, 2 मीटर के वायर में मैं मान लीजिए +10Q चार्ज देता हूँ, तो +10Q केवल यहीं पर ही नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक आवेश का वितरण। अच्छा, इसकी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, घनत्व, तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ रैखिक आवेश आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से। परिभाषा कैसे लिखेंगे, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, फॉर एग्जाम्पल इसकी प्रति एकांक एक लंबाई पर कितना है चार्ज, 5 + 5Q, तो +5Q, तो इसकी रैखिक आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, लैम्डा का मान 5 हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए dQ अमाउंट ऑफ चार्ज है प्रति एकांक लंबाई, मान लीजिए यहाँ पर एक dQ लंबाई पर, ये जो dQ है, मान लीजिए यहाँ पर dL लंबाई पर dQ चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, dQ/dL, ठीक है। या dQ इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, मान लीजिए dQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ×dL, ये हो जाएगा। टोटल चार्ज निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आप टोटल चार्ज निकालेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही वही होता है, समाकलन का मतलब होता है सम करना, सबको जोड़ना, ठीक है। तो नेट चार्ज, मान लीजिए टोटल चार्ज क्यू है और इसका लेंथ एल है, यहीं से आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन dQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन dL, या क्यू इज इक्वल टू λ×L, इस प्रकार से टोटल चार्ज निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर dQ चार्ज कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर dQ इज इक्वल टू, ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है, dQ इज इक्वल टू λ×dL, ठीक है, यहाँ तक का। अब हम देखते हैं कि dQ आवेश के कारण से, dQ मान लीजिए यहाँ पर dQ चार्ज है, dQ आवेश के कारण से इससे r दूरी पर स्थित बिंदु, यहाँ पर कोई एक चार्ज रखते हैं Q0, टेस्ट चार्ज रखते हैं, इस पर फोर्स कितना लगेगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इससे पहले ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, परीक्षण आवेश। हम क्या करते हैं, हम किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाले बल जब आप कैलकुलेट करेंगे आगे, तो वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मानेंगे, परीक्षण आवेश, ठीक है। परीक्षण आवेश क्या होता है, तो उसका जो चार्ज होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल, 0 होता है, क्योंकि आप 0 तो नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर फिर कोई फोर्स ही नहीं रहेगा, तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हम क्या मानते हैं, परीक्षण आवेश मानते हैं, टेस्ट चार्ज, हम ऐसा समय टेस्ट चार्ज लाते हैं जिसका जो चार्ज का यूनिट होता है वो इकाई होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो कितना होता है, 1.6×10^-19 कूलम, इतना कूलम होता है, वो 0 के करीब होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोला जाता है, ठीक है। इस पर कितना फोर्स लगेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो रैखिक आवेश घनत्व में कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फोर्स होता है F=, तो आप जानते हैं 1/4πε0। अच्छा, यहाँ पर dQ अमाउंट ऑफ चार्ज के कारण से, dL लंबाई के कारण से फोर्स कितना लगेगा, dF लगेगा, 1/4πε0 dQ, Q0 पर बल लग रहा है, √R², ठीक है। नेट फोर्स कितना लगेगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, नेट फोर्स F=∫dF, दैट इज इक्वल टू ∫1/4πε0 dQ Q0/R²,
यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, dq is equal to lambda dl होता है तो dq के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, f is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, dq के जगह पर lambda dl, ये dq के जगह पर lambda dl रख देंगे, into q naught upon square। इस प्रकार से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं रैखिक आवेश वितरण में। इसी प्रकार से होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। अभी मैंने बताया था पृष्ठीय आवेश वितरण किसको बोलते हैं, जब किसी पृष्ठ पर आवेश दिया जाता है तो उसके पृष्ठ पर समान रूप से आवेश वितरित हो जाते हैं, ठीक है, और उसका जो आवेश घनत्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। चलिए इसी में मैं लिख देता हूँ पृष्ठीय आवेश वितरण, और इसमें जो चार्ज होगा उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए रटना बिल्कुल नहीं है, समझते जाइए, चेंज कर दिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा, यहाँ पर आप लंबाई ले रहे थे पर क्या लेंगे हम लोग सरफेस लेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है जिसमें इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पर थोड़ा हम लोग डी ए एरिया कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ए एरिया में डी क्यू चार्जेस हैं और जिसके कारण से मान लीजिए आर दूरी पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, उस पर फोर्स लगा है कितना वो कैलकुलेट करना। अच्छा इसको भी चेंज करते हैं, यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए हो जाएगा, या डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा इन टू डी ए, मैं इसको स्मॉल लेटर ए यूज, चलिए कैपिटल ए रहने देते हैं क्योंकि सिग्मा मिल जाएगा फिर डी ए, ठीक है, इस प्रकार से ये भी चेंज हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा डी क्यू की जगह पर यहाँ पर सिग्मा इन टू डी ए, यहाँ हो जाएगा सिग्मा इन टू डी ए, तो ये ऐसा फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण, यहीं पर आप सरफेस की जगह पर क्या लेंगे एक वैल्यूम लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वैल्यूम बना देता हूँ, ये इस प्रकार से वैल्यूम, तो जब आप किसी वैल्यूम पर चार्ज देंगे तो वो पूरा आयतन में फैल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, या इसको हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को रो से डिफाइन किया जाता है, याद रखिएगा आयतन आवेश घनत्व, इसको हम रो से डिफाइन करते हैं, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, यहाँ पर क्षेत्रफल के जगह पर हो जाएगा आयतन प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, ये रो का सिंबल है, या ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू डी क्यू अपान, पहले लेंथ को बता रहे थे तो डी एल था, एरिया को बता रहे थे तो डी ए था, अब हम वैल्यूम को बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा डी वी, यहाँ पर हो जाएगा डी वी, यहाँ पर अल्पांश डी वी है, डी वी के कारण से डी क्यू चार्ज है जिसके कारण से यहाँ से आर दूरी पर स्थित स्टेस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लेगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा इसको भी चेंज कर लेते हैं, चार्ज कितना हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा रो इंटू डी वी, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, ठीक है, यहाँ पर भी आप चेंज कर लेंगे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी, इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। थोड़ा सा एक चीज और, अभी हमने जो आवेश को देखा था विद्युत आवेश, जो स्थिर विद्युत बल हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं, थोड़ा और जानते हैं अच्छे से कि क्या होता है, उस पर फोर्स कितना होता है। तो जब भी हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम किसी और से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, हम किससे तुलना करते हैं जिससे हम फैमिलियर हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, आपने देखा है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम क्या है धरती से जुड़े हुए हैं, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स को समाप्त कर दिया जाए तो हम फिर हवा में उड़ने लगेंगे, हम पर कोई फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अभी जो आप पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत बल, इसमें कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, तो साधारणतः हमको लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा बट ऐसा नहीं है,
उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा, एक गुना, दो गुना, हजार गुना, बीस गुना, ऐसा नहीं, 10^39 टाइम्स ज्यादा, इतना फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए, रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ देखते जाइए और मजे लीजिए, ठीक है? चलिए एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसा होता होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, जिसके कारण से आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो भी बनने लगेगा, ठीक है? तो हम लोग तुलना कर रहे हैं, किससे किससे तुलना कर रहे हैं, स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। स्थिर विद्युत बल वर्सेस गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चलिए ग्रेविटेशन फोर्स, इनकी तुलना कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उस पर फोर्स लगाएंगे, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे कूलम्ब के नियम से। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो QE होता है, और उसका मान कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब, ठीक है? और वहीं एक प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6×10⁻¹⁹। तो इस पर फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, FE = हो जाएगा कूलम्ब के नियम से 1/4πε₀ QE QP अपान R का स्क्वायर। मान लीजिए उनके बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है? और हम जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है, FE = होता है इसका मान होता है 9×10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6×10⁻¹⁹ इंटू, इसका मान होता है 1.6×10⁻¹⁹ अपान आर का स्क्वायर। आप डिस्टेंस को 1 मान सकते हैं, मान लीजिए 1 मीटर की दूरी पर हो तो आर का मान 1 लग देंगे, ठीक है? इस प्रकार आप इलेक्ट्रिकल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है तो हम देखते हैं FG ग्रेविटेशन फोर्स। इसका आपने न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में पढ़ा था, ये भी सेम होते हैं, तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रम अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। F = g m1 m2/r², ठीक है? जहाँ जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, या FG = g, g का मान कितना होता है, अच्छा यहाँ पर m1 को हम रख देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और m2 को रख देते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? दोनों पर फोर्स कितना लगता है, जी का मान होता है 6.67×10⁻¹⁰ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1×10⁻³¹ एंड मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये होता है 1.6×10⁻²⁷ इतना होता है अपान आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर सेम है, ठीक है, आर स्क्वायर ही लिख देते हैं, चलिए ठीक है। अब हम जब कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं FE/FG ग्रेविटेशन फोर्स, दैट इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोनों को डिवाइड करेंगे तो r² कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 2.2×10⁻³⁹। इसको डायरेक्ट कर दिया हूँ, अब वीडियो लंबा ना जाए। F = 2.2×10⁻³⁹ × g FG। देखिए जो FG का कितना गुना होता है 2.2, इसको आप नेग्लेक्ट कर दे तो आप ये देखेंगे 10⁻³⁹ टाइम्स। तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, स्थिर विद्युत बल होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है, 10⁻³⁹ टाइम्स, 10^39 गुना होता है, मतलब 1 39 0 कीजिए, इतना गुना, इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो स्थिर विद्युत बल होता है, जैसे कि मैं मान लीजिए इसको लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ये जाकर के चिपक जा रहा है, जब आप चाक से लिखते हैं तो चाक जो है वो शाम पट पे जाकर चिपक जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यदि ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा होता तो वो डस्ट नीचे गिर जाता फिर, ठीक है, चिपकता नहीं उस पर। से आप प्रूफ कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा होता है, 10⁻³⁹ टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? जब आप सिमिलैरिटीज के बारे में बात करते हैं तो स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानताएं हैं, तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। समानता यह है कि आप इलेक्ट्रिकल फोर्स लेंगे, ये भी
विक्रमवर के नियम का पालन करता है, ग्रेविटेशनल पुल भी विक्रमवर के नियम का पालन करता है, ठीक है। दोनों ही केंद्रीय बल होते हैं, दोनों ही टुवर्ड सेंटर फोर्स लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, तो ये अपनी ओर खींचेगा, केंद्र की ओर खींचेगा। वैसे ही गुरुत्वाकर्षण भी केंद्र की ओर ही बल लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चार्ज है तो बल इधर लगा देगा खींच करके, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय बल, दोनों ही केंद्रीय बल होते हैं, दोनों ही निर्वात पे लगते हैं। आप वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। ग्रेविटी में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे वैक्यूम चलाते हैं, उस पर भी ये फोर्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज था। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्या होता है। तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में मेजर डिफरेंस ये है कि स्थिर विद्युत बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं और प्रतिकर्षण प्रकृति के भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। जब आप प्लस प्लस लेते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस माइनस लेते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही पाया जाता है। जबकि आप गुरुत्वाकर्षण बल में केवल ही आकर्षण प्रकृति के होते हैं। पृथ्वी हम सबको खींचती रहती है अपने केंद्र की तरफ, ऐसा नहीं होगा कि वो रिपल करे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, केवल आकर्षण प्रकृति के होते हैं, जबकि स्थिर विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति के होते हैं। एक और अंतर ये है कि जो स्थिर विद्युत बल लगता है, यदि उनके मध्य माध्यम डाल दिया जाए, कोई मीडियम डाल दिया जाए, तो ये फोर्स का मान कम हो जाता है। दोनों आवेश जब बल लगाते रहते हैं, बीच में कुछ माध्यम डाल देंगे, के परावैद्युतांक वाला, जितना ज़्यादा परावैद्युतांक का माध्यम रख देंगे उतना ही फोर्स कम हो जाएगा। बट ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पैर के नीचे में आप कागज पेपर वगैरह डाल देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, या लोहा डाल देंगे तो फोर्स में कुछ अंतर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जितना फोर्स पहले लगता था उतना ही रहेगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उनके बीच में आप कुछ भी मीडियम रख देंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा कुछ, ठीक है। इससे विद्युत बल में माध्यम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एक अंतर क्या है, अच्छा आपने देखा ही है कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, तो स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10^39 टाइम्स स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा आप लोगों से लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक हम लोग स्क्वायर लेते हैं, वर्गाकार, वर्गाकार पे चारों कोने पे मैंने सेम चार्ज रखा है, मान लीजिए Q1, Q2, Q3 और Q4, ये चार्जेस रखे हुए हैं, बिंदु आवेश है, सबका मान समान है, सबका मान, मान लीजिए यहाँ पर 2 कूलम है, यहाँ पर भी 2 कूलम है, यहाँ पर भी 2 कूलम है और यहाँ पर भी 2 कूलम, सेम चार्जेस हैं। यहाँ पर बीच में एक मैं टेस्ट चार्ज रखता हूँ F0, ठीक है, F0 मान लीजिए इसका मान है 1 कूलम चार्ज, Q0=1 कूलम चार्ज है, तो इस पर फोर्स कितना लगाएगा, कितना लगेगा, देखिए Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, ये सारे ही इस पर फोर्स लगाएंगे, सभी पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इस Q0 पर कितना फोर्स लगेगा ये कैलकुलेट करके बताइएगा। और साथ में दूसरा क्वेश्चन है, आपने अभी देखा कि स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत प्रबल बल है, क्या ऐसा नेचर में और भी फोर्स है कोई जो स्थिर विद्युत बल से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, यदि है तो कौन सा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।